संघ को आई परेशान कार्यकर्ताओं की याद। रास नहीं आया दलित भोज में विवाद। कार्यकर्ताओं की बात सुनने का दिया निर्देश। क्या बिना वर्कर के जीत पाएंगे 2019 की रेस? बिल्कुल, कार्यकर्ता जिन्हें किसी भी दल का रीढ़ कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है, वो नाराज चल रहे हैं, खासतौर से बीजेपी में। और जब संगठन की बैठक हुई ये मुद्दा उठा। आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं ताकि आप पूरा मामला समझ लें। बीजेपी संगठन की बैठक में कौन कौन से और मुद्दे छाए रहे, कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर क्या कुछ मंथन हुआ, क्या तय किया गया, रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। दो हजार उन्नीस के रण के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सरकार से लेकर संगठन तक में बड़े बदलाव की तैयारी है। इसी कड़ी में एक तरफ रविवार को यूपी बीजेपी में रणनीतियों को लेकर संगठन की अहम बैठक हुई, तो वही आज सीएम योगी भी पीएम मोदी से मिलने जा रहे हैं। वही 18 मई को दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें यूपी सरकार के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, साथ ही यूपी बीजेपी संगठन के सभी अहम पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा सरकार और संगठन में फेरबदल होगा। सुगबुगाहट है कि यूपी सरकार में कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, तो कई नए मंत्री भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, साथ ही कईयों को संगठन में भी अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। 2019 के चुनाव के नजरिए से ये सारे फेरबदल किए जाएंगे। वहीं इससे पहले रविवार को लखनऊ में यूपी बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में नूरपुर और कराना के उपचुनावों को लेकर भी मंथन किया गया, साथ ही 2019 की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा एमएलसी में किसे संगठन में रखा जाए और किसे सरकार में, इस पर भी चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे और संगठन मंत्री सुनील बंसल की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभियानों में न जुटने पर भी चिंता जताई गई, साथ ही बैठक में कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। आज की बैठक, अभी हम लोगों ने जो ग्राम स्वराज अभियान चलाया था 14 अप्रैल से 5 मई तक, उसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि जो फील्ड से रिपोर्ट है उसके बड़े सकारात्मक रिपोर्ट्स आई हैं, तो उस रिपोर्ट्स के आधार पर शासन को सुझाव देने के लिए और नीचे और कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्या और संदेश दिया जाए जनहित में, जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन पर हम समीक्षा करेंगे और आगे और आगामी संगठनात्मक कार्ययोजनाओं पर चर्चा करेंगे और कार्ययोजनाएं बनाएंगे। साथ ही बैठक में दलितों के घर भोज अभियान के विवादों में आने पर भी गहरी नाराजगी जताई गई। अभियानों की मंशा पूरी करने के बजाय विवादों में पड़ने का मुद्दा भी बैठक में छाया रहा। साथ ही बैठक में अफसरों की मनमानी से हो रही कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का भी मुद्दा उठाया गया। वही यूपी सरकार और संगठन के कामकाज को संघ ने भी गंभीरता से लिया है। यही वजह है पिछले 4 महीने में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी यूपी में सक्रिय हुए हैं। सरकार और संगठन से अलग अलग बैठक कर हालातों पर चर्चा की है। पिछले 10 सालों में ये पहला मौका है जब संघ की सक्रियता इतनी ज्यादा यूपी में नजर आ रही है, जो काफी हद तक इस बात का संकेत है। यूपी में फिलहाल बीजेपी के हालात काफी चिंताजनक हैं, जिसे जल्द सुधारने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिना कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किए पार्टी का आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ही असल रीढ़ होते हैं, ये संघ को बखूबी पता है। और कार्यकर्ताओं की इसी अहमियत का एहसास वो सरकार, अफसरों और संगठन को भी करवाने की कोशिश कर रहा है, ताकि 2019 की राह में कोई भी रुकावट ना आए और जो भी अड़चने हैं उन्हें समय रहते ही पूरा कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी, तो भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को बखूबी पता है कि 2019 के राह में कौन कौन सी अड़चने हैं और उस पर मंथन भी किया जा रहा है, लगातार बैठकें की जा रही हैं। सुगबुगाहट है कि 2019 के नजरिए से उत्तर प्रदेश के संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ संगठन और उत्तर प्रदेश की सरकार में जो मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किया जा सकता है। 18 तारीख को अमित शाह दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे और वहां पर भी बदलाव की सुगबुगाहट है और इसीलिए एजेंडा 2019 का ही है, नजर में 2019 ही है, उसी के नजरिए से सारी चीजें हो रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी ये एक बड़ा सवाल है जो कल की बैठक में भी उठाया गया। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत राकेश त्रिपाठी जी आपका। अजय कुमार लल्लू जी हैं, नेता विधानमंडल दल है कांग्रेस के, बहुत स्वागत सर आपका भी।
मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। स्वागत मनोज जी आपका, और प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। राकेश त्रिपाठी जी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी का मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठा था, उप मुख्यमंत्री ने भी इस पर बयान जारी किया था, और ये कोशिश की गई थी कि जल्द से जल्द कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर किया जाए, लेकिन कल की बैठक में भी ये मुद्दा उठा और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उत्तर प्रदेश में ग्राम स्वराज अभियान का लगातार विवादों में रहना, आप ही के नेता मंत्रियों का उलझरुल बयानबाजी देना, ये सारी चीजें कहीं आपका 2019 डिरेल ना कर दे, ऐसा क्यों हो रहा है? पूर्व जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति का ये वैशिष्ट्य है कि हम परामर्श करके ही कोई भी काम करते हैं, किसी भी मसले पर राय सुमारी करते हैं, परस्पर मिलकर के सामूहिक नेतृत्व के आधार पर निर्णय लेने का काम करते हैं। इसलिए बैठकें होना, लोगों का मिलना, परामर्श करना, ये हमारी कार्य पद्धति की विशेषता है। कोई एक व्यक्ति पार्टी नहीं चलाता है, ये पार्टी हमारा एक संगठन है कैडर बेस्ड, जिसमें निचले स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक विमर्श होता है, बातचीत होती है। जो कार्यक्रम हुए हैं ग्राम स्वराज अभियान के तहत, बहुत शानदार सफल कार्यक्रम हुए हैं। लगभग 4000 स्थानों पर पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक, मंत्री निचले स्तर तक गए, चौपाले की, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं बताने का काम किया, लोगों से फीडबैक लिया और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम भी किया। मैं एक बात जरूर स्वीकार करूंगा पूर्व जी कि 1,47,000 लगभग उत्तर प्रदेश में बूथ हैं और 1,27,000 से ज्यादा बूथों पर आज भारतीय जनता पार्टी की बूथ समितियां गठित हैं। इतना बड़ा तंत्र किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। 2 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हैं, इतनी बड़ी सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। जाहिर है, जब सबसे बड़ा तंत्र हमारे पास है तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाओं का पहाड़ है। निश्चित तौर पर कुछ कार्यकर्ता अपनी अपेक्षा रखते हैं। जिस प्रकार का तंत्र अब तक रहा सरकार का, वो धूल-धूसरित तंत्र हमको मिला है, जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान करना ये एक जटिल काम है। हम लगातार इसको सरल करने की प्रक्रिया में हैं, पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया में हैं, लोगों को आसानी से सुविधाएं उपलब्ध हो, राशन कार्ड बनवाने से लेकर के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ऐसे तमाम बुनियादी मसले हैं जिन मसलों में कार्यकर्ताओं का सीधा संवाद जनता के साथ होता है। उसको लेकर के कार्यकर्ता अगर कोई नाखुशी होती है तो उचित फोरम पर व्यक्त भी करते हैं और सरकार के स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान भी किया जाता है। नेतृत्व तो लगातार संवाद करता है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है, बाकी किसी अन्य राजनीतिक दलों में इस प्रकार की परामर्श की प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन राकेश जी, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीजों को पेश किया, लेकिन फिर सवाल उठता है, आप कह रहे हैं ग्राम स्वराज अभियान बहुत सफल रहा, आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, लेकिन इतने सारे कार्यकर्ताओं की नाराजगी अचानक से दूर नहीं की जा सकती, वक्त लगता है, लेकिन उसके मूल में जो है आपकी ही ग्राम स्वराज अभियान को कई आप ही के बड़े नेताओं ने उस पर सवाल खड़े किए, उसको नौटंकी करार दिया, उसमें चाहे सुरेश राणा वाला मसला हो या फिर आपके जो नेता अपने आप को राम बताने लगे थे दलितों के साथ खाना खाने में, ये सारी चीजें, ये सारे विवाद उसमें शामिल है, इसको कैसे नकार सकते हैं? इस पर आप क्या देंगे, क्योंकि आप ही के पार्टी के लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि आप नौटंकी कर रहे हैं खुद? नहीं अपूर्व जी, हाँ। वास्तविकता में हताश विपक्ष, जिसने ये कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और बड़े बड़े नेता मंत्री ये गांव में जाकर के किस प्रकार से सो रहे हैं, गांव में जाकर के उनके सामान्य जीवन में कैसे व्यवहार कर रहे हैं। डीएम, एसपी, सीडीओ, सीओ, एसडीएम, तमाम बड़े अधिकारी आज सीधे गांव में जा रहे हैं, इस बात से विपक्ष को पीड़ा थी। विपक्ष ने जानबूझ करके गलत तरीके से तूल देने का काम किया है, चाहे वो मंत्री सुरेश राणा जी का मसला हो या वो मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, मोती सिंह जी का मसला हो, तमाम मसलों को जानबूझ करके गलत तरीके से तूल देने का काम किया गया, जबकि वस्तुस्थिति, वास्तविकता ऐसी नहीं रही है। सरकार के इन कामकाज को जनता ने बहुत सराहा है। जनता को पहली बार महसूस हुआ कि ऐसे पिछड़े गांवों में जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं रही हैं, वहां सरकार का कोई आला मंत्री जाता है, उसके साथ में डीएम, एसपी, सीडीओ, एसडीएम, तमाम बड़े अधिकारी निचले स्तर पर जाकर के वहां उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समाधान करने का काम करते हैं। ये राजनीतिक संस्कृति उत्तर प्रदेश में अब तक नहीं रही है, इसलिए आज सपा, बसपा, कांग्रेस सरीखे दलों के लिए यह अचरज भरा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस प्रकार से कर रहे हैं। इसलिए जानबूझ करके प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के तहत डिरेल करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाने का काम किया गया है। जनता हर्षित है, जनता प्रसन्न है, कार्यकर्ता आह्लादित है इस प्रकार के कार्यक्रम से, और कार्यकर्ताओं ने अपेक्षा की है कि ग्राम स्वराज अभियान के कार्यक्रम को आगे और बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी अगले महीने में ग्राम स्वराज अभियान के पार्ट 2 को लेकर के आएगी। हम जनता के साथ संवाद करने के इस अद्भुत कार्यक्रम को, अभिनव प्रयोग को आगे भी जारी रखेंगे। ठीक है, जवाब लेता हूं मनोज जी भाई, क्यों आप लोग प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्यों
उल्टी सीधी बातें जनता में फैला रहे हैं, डर गए हैं क्या? अब ये तो समय बताएगा पूर्व जी की डर कौन गया, डर और नींद किसकी चली गई ये अब समय बताएगा। इंतजार कर लीजिए, अभी तो दलित के घर खाना खाने जा रहे हैं और अभी आने वाले समय में इनके जैसा खुद बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा पार्ट टू भी देखने को मिलेगा। और हम इसके आगे की बात इनको बता दें, 19 के बाद ये पार्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पता नहीं कितने पार्ट चलाएंगे, क्योंकि तब तक सिंहासन डोल चुका होगा और मोदी जी सिंहासन से नीचे आ चुके होंगे। फिर हमारे साथी बैठे हुए जो अशोक सिन्हा जी आरएसएस के, ये झोला टांग के प्रचार करने जाएंगे और बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पे बैठ के झूठ बोलेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में सब कुछ होता है, सारी बैठ के सबके विचार विमर्श, तो क्या जो हिंदुस्तान के और राजनीतिक दल गुल्ली डंडा खेलते हैं क्या? आपको क्या लगता है? अहंकार में मत आइए, अहंकार में आ गई थी, अहंकार में आ गई थी कांग्रेस। आज उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति आपको पता है, देश में क्या स्थिति कांग्रेस की हो गई। आप जवाबदेही से बच रहे हैं, आप बातें क्या करते हैं पता है, आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं राणा सुरेश राणा के उस कृत्य को, महेंद्र सिंह के उस कृत्य को, आप उनको बचाते हैं। और जब आप बचाने की मुद्रा में आ जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जनता आपको जवाब दे देगी। झूठ के साथ जनता नहीं रहती है, जनता वादे के साथ रहती है, जनता सच्चाई के साथ रहती है और जनता उसी को चुनती है जो उसके लिए काम करने की कोशिश करता है। आप अपने मंत्री को बचाएंगे, जिन्ना को महान कहने वाले को आप पार्टी से नहीं निकालेंगे और उसकी तस्वीर नहीं हटा पाएंगे, आप किसी तरीके का कोई वादा नहीं पूरा करेंगे। गिनाने लगूंगा तो डिबेट मेरे ही बातों से नहीं खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं चाहूंगा राकेश त्रिपाठी जी से, आप लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, टीवी पे बैठ के एक्सेप्ट करना सीखिए अपनी कमियों को, टीवी पे झूठ झूठ बोलिए और इसके बाद दूसरी तरफ दूसरे दूसरे काम करिए। राकेश जी रिस्पॉन्ड कर लीजिए, फिर मैं अजय जी के पास जाऊं। राकेश जी रिस्पॉन्ड। देखिए, पहले तो मनोज यादव जी को बुद्धिमान बताने के लिए आभार व्यक्त कर रहा हूं, इन्होंने भाजपा को कम से कम बुद्धिमान तो बताया है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त कर रहा हूं। देखिए एक बात है, समाजवादी पार्टी के कभी भी, चाहे मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हो या अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हो, कभी इन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़कर के कभी गांव में जाकर के चौपाल लगाने का काम किया हो? इन्होंने सैफई के अलावा कभी दूसरा गांव देखा हो? सैफई में बैठ के परिवार में ही चर्चा न कर पाए हो? सरकार में रहते हुए चाचा भतीजे जिस तरह से मल्ल युद्ध करते रहे, ये परिवार की एजीएम वाली पार्टी और परिवार की पार्टी परिवार में भी एका नहीं रख पाई हो, ये परामर्श करना क्या जाने? वास्तविकता में समाजवादी पार्टी को तो दलित राजनीति में इन्होंने दलीय सिस्टम ही समाप्त कर दिया है, कहीं कोई विमर्श नहीं है। संसदीय बोर्ड देख लीजिए, रामगोपाल यादव जी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, शिवपाल यादव हैं, अक्षय यादव हैं, परिवार के एक एक सदस्य सब अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं। 21 साल की उम्र पूरी हो गई है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हो गए। देखिए, इस प्रकार की पार्टी पार्टी नहीं होती है, ये परिवार के द्वारा गिरोह की तरह संचालित किया जाने वाला दल है, इसलिए इसको पार्टी का दर्जा ही नहीं होना चाहिए। ठीक है जी मनोज जी, मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है राकेश जी से, इस डिबेट का महत्वपूर्ण सवाल है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपके यहां परामर्श है, सहयोग है, सबकी बात सुनी जाती है। 1.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में राकेश त्रिपाठी इस चैनल पे बताए कि उन्होंने ऐसी लोगों के लिए, गरीबों के लिए ऐसी कौन सी नई योजना का सृजन इनके मुख्यमंत्री की, इनके कहने से कर दिया। मैं अपनी पार्टी का बताऊंगा, मेरे कहने से मेरे पार्टी के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, जवाब दीजिए राकेश जी, तब मैं बताता हूं। मैं बता दे रहा हूं मनोज यादव जी, सबसे पहले उन 24 लाख लोग जो फर्जी राशन कार्ड देकर के आप राशन का गबन करने का काम कर रहे थे ना, वो 24 लाख फर्जी राशन कार्ड करने का काम किया है और आज वास्तविक लोगों के राशन कार्ड बनाने का काम किया है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं उनको आज राशन पहुंच रहा है। 1 लाख रुपए किसानों का कर्ज माफ करने का काम हमने किया है, हमने आज किसानों का धान और गेहूं खरीदने का काम रिकॉर्ड तौर पर करने का काम किया है। आज गन्ना किसानों का 20-22 हजार करोड़ रुपए का भुगतान जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप नहीं करते थे, भुगतान करने का काम हमने किया है। आज गांव के सामान्य गरीब व्यक्ति को बिजली का कनेक्शन सौभाग्य योजना का काम हमने किया है। हम गिनाने लगेंगे, आप
कान प्रतिष्ठा में मनोज जी नहीं पाएंगे, ये मुश्किल है आपके लिए मनोज जी, ये मुश्किल है। हल्ला मचाइए जो आप हल्ला मचाने को आप पूछ रहे हैं भाई। राकेश त्रिपाठी भाई, राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता है अपनी सरकार, ये मुश्किल है आपके लिए मनोज जी, मुश्किल है। हल्ला मचाइए जो आप हल्ला मचाने को आप पूछ रहे हैं भाई। राकेश त्रिपाठी भाई, राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता है अपनी सरकार के गुणगान में, वो पूरा एक घंटा लगा देंगे और आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि क्या किया है, आप लोग मानते ही नहीं कि काम हुआ है, क्योंकि सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि क्या किया है। ठीक है, अजय कुमार राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं आप लोग बौखला गए हैं, विपक्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए उन जरूर बातें लोगों में फैलाई जा रही है। ग्राम स्वराज अभियान बहुत सक्सेस रहा है, लेकिन आप लोगों ने इसको गलत तरीके से जनता में पेश किया है। अजय कुमार लल्लू साहब रिस्पॉन्ड। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि कम से कम 4 साल बाद इनको गांव की याद आई। 4 साल तक इनके जो एमपीज हैं या एमएलएज हैं वह कोई गांव नहीं गया, इस बात को प्रत्यक्ष रूप से राकेश जी ने अभी हम सबके सामने स्वीकार किया। बिल्कुल सही। और जब ये जो स्वराज योजना चला रहे हैं, जो गांवों में ये स्वराज योजना की बात कर रहे हैं, जिसके तहत इनके विधायक जी और सांसद जी गण लोग गए गांवों में, तो कोई गांव की जनता पर एहसान नहीं कर दिया। बिल्कुल, ये जनतंत्र में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के बीच में जाए ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, ये उसका अधिकार है, उसका ये कर्तव्य है और उसका काम उसको करना चाहिए। लेकिन 4 साल बाद सांसदों को याद आया और 1.5 साल बाद विधायक और मंत्री जी लोगों को याद आया। जहां तक स्वराज योजना की बात है, आपकी स्वराज योजना को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने किस रूप में लिया ये आप प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। चांदी की थाली में खाना, चांदी के कटोरे में मुख्यमंत्री जी का खाना क्या साबित करता है? जहां सुरेश राणा जी के कृत्यों को आपके सामने दिखाने का काम मीडिया ने किया, महेंद्र सिंह जी के कृत्यों को दिखाने का काम किया और ये ढकोसला बनाने का काम आपने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने प्रत्यक्ष रूप से कहा। जहां तक आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मामला है, वह इस बात को लेकर नाराज है, वह चाहता है देश के प्रधानमंत्री जी से, वह बार बार पूछ रहा है कि भ्रष्टाचार कब समाप्त होगा, वह पूछ रहा है 15 लाख रुपए कब आएंगे, वह पूछ रहा है किसानों का कर्जा माफी कब होगा, वह पूछ रहा है स्वास्थ्य में सुधार व्यवस्था कब आएगी, वो पूछ रहा है कानून व्यवस्था कब आएगी। ठीक पॉइंट। केवल बातें करना और बड़ी बड़ी बातें रखकर और लोगों को गुमराह करना, अगर किसी को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखना चाहिए। इन लोगों ने कोई विकास का काम नहीं किया, गांव में गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की, गड्ढा युक्त सड़क सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दी। आपने विद्युतीकरण की बात की, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के हर कोने में हमने विद्युतीकरण करा दिया। अरे दिल पर हाथ रख के कहिए कि इसके पहले आपने राजीव गांधी बिजली परियोजना को दीनदयाल परियोजना का नाम देकर केवल बैनर लिखवाने का काम किया। और आज प्रत्यक्ष रूप से मैं ईमानदारी पूर्वक इस डिबेट में कहना चाहता हूं, आप आज जांच करा लीजिए अपने कैमरामैन को भेजकर, अपूर्व महोदय आप आज जांच करा लीजिए, अपूर्व भाई आज दुदही ब्लॉक के रामपुर बरहन, अमोआ खास, चौबिया पटखौली, रामपुर पट्टी, इन तमाम गांवों में मेरे क्षेत्र में अब तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। और आप कहते हैं नहीं, हमने कई रिपोर्ट्स दिखाई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कई रिपोर्ट्स हमने दिखाई है, हमारा टाइम टाइम शो जाता है जागोर, उसमें हम दिखाते भी हैं, उसमें हम बिल्कुल दिखाते हैं, सच्चाई पूरी दिखाते हैं। नहीं खड़ा हो, सही कह रहे हैं आप, मैं जवाब दूंगा। जिस तरह आपने ठीक है राकेश जी, मैं जवाब रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर अशोक जी के पास, प्रमोद जी के पास जाऊं। जी राकेश जी रिस्पॉन्ड। जनता जाग चुकी है, देश की जनता यह जानना चाहती है, एक तो मोदी के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे, अजय जी सुन लीजिए, अब देश का पैसा लेकर, अजय जी सुन लीजिए, जवाब देते हैं, सुन लीजिए, ठीक है अजय जी जवाब देते हैं, जवाब देते हैं राकेश जी, जवाब मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं अजय जी का भी आभार व्यक्त कर दे रहा हूँ कि कम से कम इनको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सीखने योग्य तो बताया, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी से या राहुल गांधी जी से कुछ सीखने योग्य भी नहीं है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखा जा सकता है ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। देखिए 18,000 गांव हमको मिले थे जब हमने सत्ता संभाली, जिन गांवों में विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ था,
हमने आज 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया है, जिनका नाम आप उद्धृत कर रहे हैं। ये गांव नहीं मजरे होंगे, जिन मजरों में उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 के आसपास ऐसे मजरे हैं, जहां आबादी कहीं 150 है, कहीं 200 है, कहीं 50 है, कहीं 300 है। इन आबादी में जो मजरे हैं, जो गांव से अलग किनारे बस जाते हैं, वहां भी विद्युतीकरण का कार्य तेज गति से हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ष 2014 से ही होती या वर्ष 2012 में बनी होती, तो आज उत्तर प्रदेश के आपके जिन गांव का आप जिक्र कर रहे हैं, उन गांवों में, उन मजरों में भी लाइट पहुंच गई होती, वो मजरे आज अंधेरे में ना होते। और ये आप जो बता रहे हैं, तो ये क्या कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं? देश में सबसे लंबे समय तक शासन कांग्रेस पार्टी ने किया है। 10 साल तक यूपीए सरकार 2014 से पहले आप ही चला रहे थे और आपकी बैसाखी बने हुए थे सपा बसपा। उत्तर प्रदेश में मायावती जी हो या अखिलेश यादव जी हो, या आपके आपके बैसाखी आपके साथ थे, इनको आग्रह करके अपने क्षेत्र में करा लिया होता, आप तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, अपने क्षेत्र में भी बिजली नहीं देना पाए। यह कैसी स्थितियां हैं अजय कुमार जी? ठीक है, मैं राकेश भाई से एक सवाल और करना चाहूंगा। अजय जी एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड, आपको पूरा मौका दूंगा। अजय जी एक सेकंड, सवाल का जवाब अशोक जी और प्रमोद जी के लिए, अशोक जी और प्रमोद जी के सर। अजय जी एक सेकंड, एक सेकंड, आपको पूरा मौका दूंगा सर, एक बार सभी खास मेहमानों से एक एक बार इंटरेक्शन हो जाए। अशोक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, विपक्ष भी कह रहा है और ये सवाल तो उठेगा ही, और ये सवाल तो संघ प्रमुख ने भी किया कि भाई ये जो नौटंकी हो रही है, ये कहा गया कि भाई आप लोग खुद जो दलित की बेटी हैं, दलित की बच्चियां हैं, आप लोग उनके घर जाइए, अच्छी बात है, उनको भी तो अपने घर बुलाइए, इस पर भी सवाल किया गया। यानी समझ में आ रहा है कि जो मैसेज, जिस सोच के साथ ये ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया गया था, वो जमीन पर उतर नहीं पाया उतनी मजबूती के साथ जितने जिस सोच के साथ ये शुरू किया गया था। अशोक जी, देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समय लगभग 1.5 लाख प्रकल्प ऐसे चला रहा है जिसमें सामाजिक समरसता के काम हो रहे हैं। इसमें एकल विद्यालय है, शिक्षण संस्थान है, चिकित्सालय है, संस्कार केंद्र है, ये सारे कार्य इसलिए किए जा रहे हैं, और खास तरीके से उन बस्तियों में, उन आदिवासी क्षेत्रों में किए जा रहे हैं जहां किसी की पहुंच नहीं है, वहां तक साधन नहीं है, वहां भी जाकर के यह कार्य कर रहा है, हो रहा है। तो संघ इस बात में विश्वास रखता है कि जो कुछ भी काम होना चाहिए सामाजिक समरसता का, वो ठोस होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविक रूप से होना चाहिए और उसका लाभ उस समाज को मिलना चाहिए। तो अगर हमारे संघ प्रमुख ने यह कहा है कि दोतरफा संवाद होना चाहिए, दोतरफा कार्रवाई होनी चाहिए, यानी आप अगर वहां जा रहे हैं तो उनको भी अपने घर में बुला के अपने किचन में, अपने रसोई में बैठा के खिलाइए, बिल्कुल ठीक, तो ये बात बनती है और ये सुझाव ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, यानी दिखावा है ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है। प्रमोद गोस्वामी जी, 2-3 पॉइंट है सर। बीजेपी की बैठक में, संगठन की बैठक में भी सामने आया कि कार्यकर्ता काफी नाराज है, अभी भी उनकी नाराजगी दूर नहीं की जा पाई है, उन्हें थोड़ा सा वैल्यूएशन दी जाए। दूसरी बात, ये जितनी भी नौटंकी हो रही है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो नेता ऐसे अभियानों को चोट पहुंचा रहे हैं, सरकार के एजेंडे को डिरेल कर रहे हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये सारी बातें ये क्या दर्शा रही है? एक तो पहली बात कि अफसरशाही अभी भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता नाराज है क्योंकि अफसरशाही काम नहीं कर रही, जो वो काम करवाना चाहते हैं हो नहीं रहा, अफसर सुनते नहीं है। और अफसरों के बारे में तो खुद केपी मौर्य ने कहा था कि हाँ, समझ में आ रहा है, कई अफसरों की शिकायत मिली है, बेलगाम है अफसरशाही, नहीं मानते बात। अपूर्व जी, देखिए, एक हमारे विपक्ष के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण आज की डिबेट की बात को मैं खाली एक शब्दों में कहना चाहूंगा जी, कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा करती है कि पार्टी विद डिफरेंस, वो कहीं दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि विभिन्न पार्टियों से अलग, अब खाली आलोचना करना कि सपा ऐसी थी, बसपा ऐसी थी, कांग्रेस ऐसी थी, राहुल ऐसे थे, मुलायम सिंह ऐसे थे, तो मुझे लगता है कि अब एक ही थैली के सब चट्टे बट्टे हैं, अगर उसको ईमानदारी से कोई बात कही जाए। इसमें ये बात अब बीजेपी ये क्लेम नहीं कर सकती है कि पार्टी विद डिफरेंस, मतलब हम राजनीतिक दलों से हमारी कार्यशैली अलग है। मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की भी कार्यशैली ठीक वैसी है जैसी अन्य दलों की है, उसका भी ध्यान इस पर नहीं है कि समस्याओं का समाधान क्या हो, उसका भी ध्यान सिर्फ ये है कि वोट बैंक की राजनीति कैसे की जाए, जो सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य है
कि उत्तर प्रदेश कबीलों में बढ़ गया है, दलित कबीलों में, पिछले कबीलों में, अगले कबीलों में, अल्पसंख्यक कबीलों में। ये जो राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश की दुर्दशा कर दी है, भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा थी या लोग ये महसूस करते थे कि शायद वो इस कबीलाई राजनीति से इतर हटकर इस पर सोचेगी। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं, दूसरी बात जो ग्राम स्वराज की बात हो रही है कि ग्राम स्वराज से मतलब और कोई राजनीतिक दल नहीं गए, अभी हमारे प्रिय राकेश जी ने ये बात कही, मैं सिर्फ एक बार ग्राम स्वराज में गए मंत्रियों को लेकर आलोचना है, और शायद जो बैठक कल प्रधानमंत्री और शाह जी के साथ होने वाली है ग्राम स्वराज के मामले पर, उस पर भी वहां चर्चा होगी और पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। मंत्री वहां नहीं पहुंचे, संगठन के लोगों ने भी सहयोग नहीं किया, ऐसी रिपोर्टें हैं। क्या सही है ये राकेश जी बेहतर जानते होंगे या पार्टी बेहतर जानती होगी। मैं इस मामले में भी सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने आज से जब सांसद बने हैं तब से ये कहा कि एक एक सांसद एक एक गांव को गोद ले, मैं पूछना चाहूंगा कि कितने सांसदों ने गोद लिया, और लिया भी उन्होंने खाली अखबारों में दिखाने के लिए, तो उन गांव में कितने प्रदेश के गांव जो हैं वो व्यवस्थित हुए, वो मैं समझता हूं कि शायद टिप्स पर होंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो मैं पार्टी विद डिफरेंस की बात कर रहा हूं वो इस बात को पुष्टि करता है। इस पर मैं एक बात और महत्वपूर्ण खाली तीसरी और अंतिम बात कहना चाहूंगा जी। एक सवाल ये कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे जी, चाहे वो कानून व्यवस्था का हो जी, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे वो महंगाई का हो, इन हालातों पर क्या स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। दूसरी बात ये जो ये हो रहा है, ये 19 के चुनाव को लेकर जिस पर ये डिबेट हो रही है, स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की चिंता स्वाभाविक है, और शायद इसीलिए ये सारी चीजों पर चिंतन और मनन ठीक है। इस पर जवाब मैं लूंगा राकेश जी आपसे, लेकिन एक बेहद छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है, सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, छोटा सा ब्रेक तुरंत लौटता है। संघ को आई परेशान कार्यकर्ताओं की याद, रास नहीं आया दलित भोज में विवाद, कार्यकर्ताओं की बात सुनने का दिया निर्देश, क्या बिना वर्कर के जीत पाएंगे 2019 की रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ा सवाल, कार्यकर्ता जो नाराज हैं, उपेक्षित हैं, गुस्से में हैं, क्या उनके बिना भारतीय जनता पार्टी 2019 का मिशन पूरा कर पाएगी, क्योंकि संगठन की बैठक में भी ये मुद्दा उठा है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, ब्रेक से पहले प्रमोद जी ने कहा कि भाई आपकी पार्टी विद डिफरेंस के दावे तो झूठे साबित हो रहे हैं, खोखले साबित हो रहे हैं, कानून रोजगार जैसे मुद्दों पर जो आपने वादे किए थे वो भी खोखले साबित हो रहे हैं, जवाब आपका साथ, ऐसा क्यों है। देखिए, मैं फिर प्रमोद जी को भी आभार व्यक्त करूंगा पहले कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कबीलाई दलों से अलग करके कम से कम देखा। ऐसा पब्लिक परसेप्शन नहीं रहा है कि यहां उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं वो कबीलाई संस्कृति से चलते रहे, भाजपा ऐसी नहीं रही है, मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त कर रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे अलग है उसके कुछ कारण बता रहा हूं। कोई राजनीतिक दल किसी ने देखा हो जिसने वृक्षारोपण का अभियान इतने बड़े पैमाने पर लिया हो, पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की हो। सरकारी तौर पर वृक्षारोपण तो हुआ है, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने वृक्षारोपण का कभी अभियान लिया हो मेरी जानकारी में तो नहीं है, शायद प्रमोद जी की जानकारी में अगर हो तो और जरूर सूचित करें। किसी राजनीतिक दल ने स्वच्छता का अभियान कभी भी इस प्रकार से लिया हो अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जिस प्रकार का जागरूकता का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इस प्रकार का जागरूकता का अभियान किसी और राजनीतिक दल ने लिया हो तो निश्चित तौर पर हम उसकी भी प्रशंसा करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व के नाते राजनीतिक करने के लिए केवल चुनाव लड़े और सरकारें बना ले, केवल इतना नहीं, हमारे लिए दल से बड़ा देश, देश को ही हम सबसे आगे रख करके काम करने का काम करते हैं। हमारी राष्ट्र के प्रति निष्ठा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सरकारें आए या चली जाएं। और कार्यकर्ता मुखरता से अगर कहीं किसी प्रकार का कोई गलत हो रहा होता है तो मुखरता से कार्यकर्ता कहता है, और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी है। यही कार्यकर्ता है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मानव दर्शन को आगे लेकर के जाने का काम करता है, उनके अंत्योदय के सिखाए गए मंत्र को लेकर के आगे जाने का काम करता है। नीतियां हो, नेतृत्व के द्वारा दिए गए निर्देश हो, इनको निचले स्तर पर उतारने का काम यही कार्यकर्ता करता है। यह कार्यकर्ता हमारी पूंजी है। ये इस प्रकार का कार्यकर्ताओं का नेटवर्क किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है।
जाति और जमात की राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं से कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यदि नाराजगी की सारी बातों के बीच राकेश जी आप वो सवाल डाल के जो प्रमोद जी ने पूछा था कि इन सालों में कानून के मसले पर, रोजगार के मसले पर क्या किया आप लोगों ने, क्या स्थिति है आपको भी पता है? देखिए मैं एक बात कहूं, कानून देखिए अपूर्व जी, कानून व्यवस्था का मसला राज्य का मसला होता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस तरह से हमने कानून व्यवस्था को लेकर के जीरो टॉलरेंस दिखाने का काम किया है, अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा है और बड़ी संख्या में अपराधियों का एनकाउंटर में मार गिराया जाना, अपराधियों के संदर्भ में किसी भाजपा के नेता तो का ग्राफ बढ़ा कैसे, अपराधियों को पूरी तरह से आज संरक्षण से मुक्त करना, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं अपूर्व जी। देखिए पिछली सरकारों के समय में जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर अपराधी को देख करके और पीड़ित को देख करके उसकी एफआईआर समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता से पूछ करके लिखी जाती थी, बड़ी संख्या में एफआईआर रजिस्टर नहीं होती थी। आज 100% एफआईआर रजिस्टर हो रही है और यही कारण है कि बढ़ा हुआ आंकड़ा दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन वस्तु इस वास्तविक स्थिति में आज जो चौराहों पर गुंडई लफंगई हुआ करती थी, आज वो गुंडई लफंगई पूरी तरह से थमी है। व्यापारियों से रंगदारी की कॉल नहीं आ रही है, अब कोई व्यापारी रंगदारी के संदर्भ में नहीं आज शिकायत दर्ज करा रहा है कि मुझे कोई रंगदारी मांगी जा रही है, यह पिछली सरकार के समय में होता था। आज कोई ठेके दिलाने का दावा नहीं कर सकता है उत्तर प्रदेश में, पिछली सरकार में संस्थागत तरीके से भ्रष्टाचार को एक चैनल बन गया था कि कितने परसेंट कमीशन देकर के कहां से कैसे काम होगा, कितने परसेंट पैसे देकर के कैसे नियुक्तियां कहां से होंगी, कितने पैसे ऐसे देकर के ट्रांसफर कैसे होगा, ये जो संस्थागत तरीके से बन गया था आज हमने उसको समाप्त करने का काम किया। तभी आपकी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हमारी पार्टी में और बढ़ गया है, हमारी सरकार में पहले 500 लिए जाते थे अब 5000 लिए जाते हैं। खैर मनोज जी जवाब दे दीजिए। नहीं वो ओम प्रकाश जी के राज के कहने के पीछे उनके अपने राजनीतिक मंतव्य है, अपनी पार्टी का विस्तार करना सुर्खियों में आना उनके कारण। निकाल देते हैं, ये सही है ना, निकालते तो है नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। देखिए हम मुलायम सिंह जी की तरफ थोड़ा निकाल देंगे, अखिलेश जी ने इधर से निकाल दिया। देखिए आप हमारे परिवारवाद पे कितना भी अटैक करिए हम जवाब नहीं देंगे, हम इसलिए जवाब नहीं देंगे, बहुत जवाब दे चुके, वो जनता जवाब देगी। बताइए हम लोग जातिवादी राजनीति करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम जातिवादी राजनीति करते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए आपके यहाँ संगठन में कितने प्रकोष्ठ हैं? मैं जवाब तुरंत, बहुत आभार, कितने इसी को मैं दूसरी बार आभार व्यक्त कर रहा हूँ। संगठन में कितने प्रकोष्ठ हैं आपके यहाँ? नहीं आप जातिवादी राजनीति करते हैं ये स्वीकार करने के लिए फिर मैं आपको इसी को मैं दूसरी बार आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हमको आधार नहीं चाहिए, ऐसे 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 स्वीकार जब करते हैं आपको अच्छा लगता है। देखा अपूर्व जी कहानी भारतीय जनता पार्टी दफ्तर आवेदन करिए पार्टी का कार्यकर्ता बनने के लिए, पार्टी की सदस्यता लेने के लिए आवेदन करिए, आप सदस्य बनिए, आपको उस पार्टी के रीत नीति सब समझाएंगे, आवेदन करिए आकर के पहले, और समाजवादी पार्टी की तरफ उतर के आइए पहले। अल्पसंख्यकों का संगठन किसके यहाँ है? वो बीजेपी ने में नहीं है क्या? सभी सर्वस्पर्शी कार्य है, सर्वस्पर्शी कार्य हर जाति को, हर मजहब को, हर समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलना अच्छा, चाहिए, सर्वस्पर्शी कार्य होना चाहिए, सबका सबका विकास होना चाहिए, हमारी ये मंशा है। हम आपकी तरह से केवल जाति विशेष ही पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहेंगे, जाति विशेष ही टिकट पाएंगे, जाति विशेष ही राजनीति का संचालन करेंगे, जाति विशेष का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा ये नहीं चलेगा, हमारा नहीं होता है। जाति विशेष और जाति भी नहीं, आपका तो परिवार की ही जाति, आप उसी जाति के गाजीपुर के, चंदौली के, मिर्जापुर के, बनारस के, सोनभद्र के, उस जाति के व्यक्ति का भला नहीं करेंगे, उसका कल्याण नहीं करेंगे। आपके लिए जाति के साथ साथ इशारा का होना, मेंटल का होना जरूरी है। यही मुद्दे काम आते हैं, सिर्फ दो ही मुद्दे, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। हम मुद्दे की बात करिए, ये इनका संकल्प पत्र मेरे हाथ में है, टीवी चैनल चाहे तो कैमरा जूम करके दिखा ले, इन्होंने दलितों पिछड़ों से वादा किया था कि एक साल के अंदर हम इनकी भर्ती कर देंगे। जितने भी आरक्षित पद है उत्तर प्रदेश में, कितने भर्ती हो गए? 70 लाख लोगों को स्वरोजगार देने की बात कही मुख्यमंत्री जी ने संकल्प पत्र में। मैं नहीं कहता हूं आपका संकल्प पत्र कहता है, 14 लाख लोगों को कौन सा स्वरोजगार मिल गया? सरकार बनने के बाद अगर आप अपने वादे अपने साथ रखते होंगे तो
सारी बातें ठीक है, लेकिन जो संकल्प पत्र में अगर कोई सवाल उठा रहे हैं, जो आपने घोषणा की, संकल्प पत्र संकल्प लिया तो उसे पूरा क्यों नहीं कर पाए? वही तो सवाल है, मूल सवाल है कि आप आय के सोच के साथ थे, आपको मैंडेट इतना बड़ा दिया गया, क्या उन उम्मीदों पर आप खरा उतर पाए लोगों की? क्योंकि अब दिखाई तो ये पड़ता है कानून व्यवस्था के आप आंकड़े गिना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्थिति तो जमीन पर वैसी है ना सर। देखिए अपूर्व जी, हमने जब संकल्प पत्र जारी किया था तो पहली बार इसका नाम संकल्प पत्र के रूप में रखा था। अब तक राजनीतिक दल मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र ऐसा शब्द इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमने इसको जब संकल्प पत्र के रूप में जारी किया तो साथ साथ में कहा था कि राजनीतिक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ग्रंथ से कम नहीं है। हम संकल्प पत्र में जो भी संकल्प लेंगे अक्षरशः अंतःकरण की शुद्धता के साथ हर संकल्प को लागू कराने का अंतिम प्रयत्न करेंगे, और हम आज संकल्प पत्र के एक एक संकल्प को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा था कि हम किसानों का फसलें ऋण माफ करेंगे 1,00,000 रुपए तक का। हमने आते ही पहले कैबिनेट की बैठक से अपने संकल्प पत्र के संकल्प को पूरा करने का काम किया है। हम संकल्प पत्र में लिखी गई एक एक बात का संकल्प ले रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। हमने संकल्पों पर खड़े हैं। अजय कुमार अंसारी का नाम हुआ क्या जो किनारे राकेश त्रिपाठी जी ने अजय की तरह इसको भूल जाए? ठीक है मनोज, ठीक है, उसी हवन कुंड में डाल दिया क्या? ठीक है, ठीक है, कम से कम उस हवन कुंड में अपने संकल्प, ठीक है मनोज, ठीक है अजय कुमार, ठीक है, आप कह रहे हैं संकल्प पत्र में घर में आपको हवन वगैरह दिखने लगा, अच्छी बात है, ठीक है मनोज जी, आपने बोलिया सर, ठीक है, सबको मौका देने दीजिए। अजय कुमार लल्लू साहब, राकेश त्रिपाठी जी को आपने सुना, उन्होंने अपनी सरकार के काम भी गिनाए, ये गिनाया उन्होंने, वो पार्टी विद डिफरेंस क्यों है? आप लोग सवाल उठाते हैं, बार बार सवाल उठाते हैं, जवाब आपका सर। देखिए राकेश त्रिपाठी जी अब बहुत जल्दी एमएलसी बन जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह सफाई के साथ ये प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, लग रहा है इनका भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपने कहा आपको बहुत राहुल गांधी जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में आपने कहा, राहुल गांधी जी ने कभी नफरत की राजनीति नहीं सिखाई, प्रेम की राजनीति सिखाई, उन्होंने सौहार्द की राजनीति सिखाई, उन्होंने एकता की बात की, उन्होंने भाईचारगी की बात की। रही बात अभी आपने देखा कर्नाटक के चुनाव में आदरणीय राहुल गांधी जी ने कितने स्पष्टता के साथ कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जितने भी मेरे ऊपर निजी हमले कर लो, लेकिन हम आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए आप गौरवशाली व्यक्तित्व हैं, इसलिए कि आप भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आपका दिल से सम्मान करते हैं, इसलिए नहीं कि आप आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए मैं आपका आदर और सम्मान करता हूं। रही बात आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपने भ्रष्टाचार की जितनी बढ़ोतरी की है इस देश में, मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में इतना कभी भ्रष्टाचार हुआ है। आपने नीरव मोदी को भगा दिया, आपने ललित मोदी को भगा दिया, देश का पूरा पैसा बैंक के खजाने से लूट कर भाग गए, और आपके प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। आप बात करते हैं नैतिकता की, आप बात करते हैं नौजवानों के रोजगार की, आपने 2 करोड़ रोजगार इस देश में देने की बात की थी, आपने कितना रोजगार दिया है आप भी जानते हैं, और आपके पार्टी के नेता भी जानते हैं, और आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं। रही बात आपने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, क्या हुआ? आपके पार्टी के विधायक जो बलात्कार जैसी घटना में दोषी पाए गए, लड़की सड़क पर चिल्लाती रही, दया करुणा की भीख मांगती रही, न्याय मांगती रही, आपने न्याय नहीं दिया। मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया के साथियों को, उन लोगों ने जब इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया, कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने जब सड़कों पर लड़कर उठाया, तब जाकर आप कम करने नींद से जागे। एक तरफ आप बात करते हैं अजय लल्लू जब खनन के खिलाफ धरना देता है तो आप इसे जेल में भेजते हैं, और दूसरी तरफ आपका पार्टी का विधायक बलात्कार में दोषी पाया जाता है। जवाब दीजिए राकेश जी। सड़कों पर खुलेआम घूमने का काम करता है, एनसी लिख कर देता है कि अगर खनन होगा तो बंदे को खतरा होगा, लेकिन फिर भी आपके मुख्यमंत्री जी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब सदन में सवाल होता है किसी विषयों को लेकर, मुद्दों को लेकर, तो आपके मंत्री और मुख्यमंत्री चुप रहते हैं।
और आज आप नैतिकता की दुहाई देते हैं, आपने देश को खोखला कर दिया। जवाब राकेश जी लगा है आज जम्मू की क्या स्थिति है, श्रीनगर जवाब देते हैं, अजय कुमार लल्लू जवाब दे देते हैं सर, इस देश में जवाब ले ले, फिर अशोक जी और प्रमोद जी के पास भी जाऊंगा, जवाब क्विक रिस्पॉन्स सर राकेश जी, इस देश में पाकिस्तान ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, इसके साथ मिलकर आपने सरकार, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे सवाल हो गए सर, एक एक जवाब ले लेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है राकेश जी। देखिए मैं पहले तो अजय लल्लू जी को फिर आभार व्यक्त कर रहा हूं उनकी शुभकामनाओं के लिए। देखिए अजय लल्लू जी ने कहा कि प्रधानमंत्री पर निजी हमले करने के लिए राहुल गांधी जी ने मना किया, मुझे लगता है कि इस शो में शर्मनाक सत्य मुझे उद्घाटित करते हुए शर्म आएगी जब कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिसकी वर्ल्ड वाइड पहुंच होती है, और उस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री का हकलों में से एक वीडियो मेमे वीडियो जारी किया जिसमें विदेश नीति से संदर्भित मसलों को मजाक बना करके प्रस्तुत करने का काम किया। आप भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध कब करने लगते हो ये आप जान ही नहीं पाते हो, इसको समझ ही नहीं पाते हो। आपने वैश्विक स्तर पर भारत की इमेज को कई बार गिराने का काम राहुल गांधी जी ने किया है, प्रधानमंत्री का जितना विरोध करना है आप करिए। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा अब तक व्यक्तिगत हमले किसी राजनीतिक कार्यकर्ता ने नहीं झेले हैं जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झेले हैं। मैं आप कुलदीप सिंह सेंगर के विषय पर आप जो टिप्पणी कर रहे हैं, आप खुद विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य के नाते कतक व्यक्तिगत हमले किसी राजनीतिक कार्यकर्ता ने नहीं झेले हैं जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झेले हैं। मैं आप कुलदीप सिंह सेंगर के विषय पर आप जो टिप्पणी कर रहे हैं, आप खुद विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य के नाते कभी एक अवसर बताइए कि इस 10 महीने में कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने विधानसभा में इस मसले को उठाया हो कि एक माननीय सदस्य के ऊपर बलात्कार का आरोप रहा हो, कभी आपने आरोप कभी यह मुद्दा विधानसभा में उठाया हो कांग्रेस के किसी नेता ने, स्थानीय स्तर पर किसी जिलाध्यक्ष ने, उपाध्यक्ष ने, मंत्री ने कभी जाकर के वहां कभी जाकर के आंदोलन उन्नाव में किया हो, उनकी गिरफ्तारी के लिए उनकी एफआईआर लिखवाने के लिए। वास्तविकता में अजय लल्लू की सच्चाई आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां आपकी हैं। आप कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं, आप जानते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं आपकी अंतरात्मा कठोर रही है आपको कि ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार करते समय आपकी भी अंतरात्मा आपको कठोरती होगी, आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को नेता स्वीकार करते समय आपको भी असहजता होती होगी, लेकिन कांग्रेस की राजनीति है, करना है तो करना है। ठीक है अशोक सिन्हा जी, ठीक है अशोक सिन्हा जी, जो अचानक सक्रियता बढ़ी है आरएसएस के सर उत्तर प्रदेश में, इसे क्या माने, इसे रूटीन माने अशोक सिन्हा जी या फिर, ठीक है ठीक है अजय कुमार लल्लू साहब, इसे रूटीन माने अशोक सिन्हा जी या फिर ये माने कि वाकई उत्तर प्रदेश में जो सरकार के काम है, ठीक है सर अजय कुमार लल्लू साहब, ठीक है सर एक सेकंड अजय लल्लू जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है अजय कुमार लल्लू जी, ठीक है अजय कुमार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए, चलिए ठीक है वो पार्टी डिसाइड कर लेगी। अशोक जी मुझे ये बताइए सर, ये जो अचानक से सक्रियता बढ़ी है संघ की उत्तर प्रदेश में सरकार में आने के बाद, और जिस तरीके से अभी हालिया मुद्दे रहे हैं, बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, क्या ये माने जो विपक्ष आरोप लगा रहा है इनमें सत्य है उत्तर प्रदेश में, और खासतौर से जब दो उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, लोगों के बीच पैठ कमजोर हुई है जिससे आरएसएस को सक्रिय होना पड़ा है, मजबूर होना पड़ा है चेताने के लिए सरकार को? संघ की सभी बड़ी बैठकें जो राष्ट्रीय स्तर की होती हैं वो साल भर पहले तय हो जाती हैं। इसके अलावा संघ का कार्य पूरे देश में चल रहा है, विदेशों में भी चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि इस प्रदेश में कोई चुनाव होने वाला है और यहाँ पर बैठकें तेज कर दें और बैठकें तेज करने से किसी दल को कोई लाभ मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। संघ की अपनी एक रूटीन वर्क है, समाज संगठन और व्यक्ति निर्माण, वो कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक होती रहती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है उससे किसी आगे से रूटीन करार दे रहे हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, रूटीन ही माना जाए फिर वाकई माना जाए कि कुछ कमजोरी है जिसे चेताया जा रहा है संघ की तरफ से कि चेत जाओ, 2019 से पहले अगर नहीं चेते तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। हम हर बार देखते हैं कि संघ बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, हालांकि ऑफिशियल तौर पर नहीं निभाता है कि हम किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन किसी से छुपा नहीं है, जनता भी जानती है इसे, आप भी। हाँ अपूर जी, वैसे अशोक सिन्हा जी की ये बात बिल्कुल ठीक है कि संघ के कार्यक्रम एक साल भर पहले सारे निर्धारित हो जाते हैं,
और उसमें कहीं कोई असत्य नहीं है कि वो, लेकिन ये बात भी सही है कि चूंकि समान विचारधारा का मामला है, आनुषांगिक संगठन कह लीजिए उसको एक प्रकार से, हालांकि वो राजनीतिक संगठन संघ नहीं है, संघ सामाजिक संगठन है और उसकी अपनी एक राष्ट्रवाद की एक नीति है और उसी को लेके वो आगे बढ़ती है। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि संघ भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से, उसकी कार्यशैली से, जो भागवत जी के भी गाये बगाये बयान आते रहते हैं वो आगाह करने का मतलब ये है कि संघ कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, नहीं है। या शायद वो ये जताने की कोशिश कर रही है कि आप अपनी दिशा से भटक रहे हैं, वो दिशा पर लाने का काम करती है, इससे ज्यादा उसकी कोई भूमिका नहीं है। लोगों को राष्ट्रवाद से जोड़ने का उसका मुख्य उद्देश्य रहता है, वो एक राजनीतिक संगठन नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि अपने समान विचारधारा के लोगों को आगे पल्लवी तो पोषित करने का काम करती है संघ, वो सही है। लेकिन दूसरी बात जो अभी हमारे राकेश जी ने बात कही वो ये कि कार्यकर्ता प्रसन्न है, लेकिन हालात ये हैं। खैर, राकेश जी को चूंकि प्रवक्ता के नाते उस पक्ष को रखना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक फिलहाल एक ऐसा परसेप्शन है, लोगों को देखने को मिल रहा है कि उनकी नाराजगी बाहर आ रही है, बिल्कुल। और नाराजगी है शायद, और अगर नाराजगी नहीं भी है मैं मान भी लूं तो कार्यकर्ता और विधायक भी खुश तो नहीं है, ये बात तो मैं दावे से कह सकता हूं। चाहे वो प्रशासनिक नौकरशाहों की वजह से, चाहे वो अन्य किसी कारणों की वजह से, लेकिन उनके क्षेत्र के विकास, उनकी समस्याओं को सुनने के मामले को लेकर, उनकी अपनी जो ग्रेवांसेस है वो लेके संवादहीनता का एक दौर लंबे समय से, जब से सरकार उत्तर प्रदेश की बनी है तब से संवादहीनता का एक दौर है, ये स्वीकार करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि वो ये है कि संवादहीनता के चलते, मतलब आप ये देख लीजिए कि कई बार नाराजगी भी बाहर निकल के आई है, बिल्कुल। उनके जो सहयोगी अभी आप देख लीजिए राजभर, मतलब वो स्थिति हालात यहाँ तक हो गए हैं कि पार्टी अध्यक्ष को उनको चेतावनी देनी पड़ी कि आप मर्यादा में रहिए नहीं तो फिर हमको सोचना पड़ेगा। उसके जवाब में सहयोगी संगठन ने भी ये बात कर दी, अटल जी भी देश के प्रधानमंत्री रहे और कई 22 दल उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई भी उनका सहयोगी दल, अगर उसकी नाराजगी हुई तो उसकी ग्रेवांसेस को उन्होंने बैठ कर सुना और समाधान किया, वो बाहर सड़क पर वो चीज नहीं आई। तो शायद कहीं ना कहीं संवादहीनता एक बड़ा कारण है विधायकों और सांसदों और सरकार के बीच में, कार्यकर्ता और सहयोगी दलों के बीच में, ये एक समस्या है। और शायद ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बेहद चिंतित है, उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, विपक्ष लामबंद हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता कई गुनी ज्यादा बढ़ गई है, बढ़ गई। और आने वाले समय के लिए वो अपनी एक रणनीति बना रही है, वो पार्टी को बनाना चाहिए, अपनी कमियों को देखना चाहिए, अगर वो सुधार रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना बड़ी बात है। एक बात मैं और इसमें विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि एनकाउंटर से प्रदेश की कानून व्यवस्था न कभी सुधरी है न सुधर सकती है। आपको मैं अपूर्व याद दिला दूं, बीपी सिंह साहब ने भी अपने कार्यकाल में दे एनकाउंटर, इतने एनकाउंटर किए थे, लेकिन कानून व्यवस्था और बदतर होती चली गई। तो एनकाउंटर कानून व्यवस्था को सुधारने का कोई पैमाना नहीं है, बिल्कुल। राकेश त्रिपाठी जी, एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से, खासतौर से राजभर वाले मसले पे पार्टी अध्यक्ष ने जरूर ये कहा है, लेकिन क्या उसे सीरियसली माना जाए, क्योंकि राजभर तो आदि हो चुके हैं, आप ही की सरकार के कार्यशैली पर, आपके काम पर, आपके सोच पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, फिर भी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपनी पार्टी का विस्तार करना, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में ऊर्जा भरना, ये उनका अपना काम है, और इसको लेकर के कई बार मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए, अपने आप को चर्चा में लाने के लिए कई बार वो ऐसे विषय, ऐसे अप्रासंगिक विषय रखते हैं जो करने से उनको परहेज करना चाहिए। नेतृत्व ने भी उनको अपेक्षा की है
और निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि गठबंधन धर्म में भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से गठबंधन धर्म का निर्वहन करेगी, लेकिन उनको बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ये बात जल्दी समझ में उनको आ जाएगी, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति समर्पित पार्टी है, हमारे लिए जनता के ग्रीवांसेस महत्वपूर्ण है और हम उन ग्रीवांसेस के लिए काम करते रहेंगे। संवैचारिक संगठनों से संवाद करने का काम करेंगे, जो भी संवैचारिक संगठन है अच्छे सुझाव देंगे, उन सुझावों को परामर्श करके हम अपने आत्मसात भी करेंगे, उसको अंगीकार भी करेंगे, स्वीकार भी करेंगे और लागू भी करेंगे। समाजवादी पार्टी सरकार चला चुकी है 5 वर्षों तक, अगर कोई सकारात्मक सुझाव लेकर के समाजवादी पार्टी भी आएगी तो निश्चित तौर पर उस सुझावों का भी स्वागत करेंगे। लेकिन केवल आलोचना करना, हर समय 24 घंटे केवल जाति और मजहब के चाशने में डूब करके राजनीतिक बयानबाजी करना, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये राजनीति की भी गर्मा गिराते हैं और उत्तर प्रदेश को भी पीछे ढकेलने का काम करते हैं। इन सब बातों से ऊपर उठना होगा, उत्तर प्रदेश के हालात देखिए, आज उत्तर प्रदेश की तुलना में और राज्य कहां चले गए हैं, उत्तर प्रदेश को उस आगे दौड़ में आगे जाना है, सब मिलकर के सहयोग करिए। उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार काम कर रही है, आपके जो भी सकारात्मक सुझाव होंगे उसको हम रचनात्मक तौर पर लेंगे, सकारात्मक तौर पर लेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे पास समय इतना ही है, इसीलिए आपको यहीं पे मैं सभी को रोकना चाहूंगा। फिलहाल इसी के साथ बिग बुलेटिन में इतना ही, समय हमारे पास इतना ही, लेकिन चलते चलते सवाल तो ये रहेगा कि आखिरकार अगर कार्यकर्ता परेशान है अफसरशाही पर सवाल उठा रहे हैं तो अफसरशाही पर क्यों लगाम नहीं लगा पा रही सरकार। बेलगाम अफसरशाही पर उप मुख्यमंत्री भी सवाल उठा चुके हैं, लेकिन फिर उस अफसरशाही को पटरी पर लाने का भी जिम्मा किस पर है, सरकार पर है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। फिलहाल इसी के साथ बिग बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।